हाँ इसी ने पॉलिश लग रहा है भाई। ओ भाई साहब 180 डिग्री है, 180 डिग्री है एकदम सेम डिस्टेंस भाई। हाँ 180 है पूरा भाई। कितना बड़े कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं चल रहा यार। अरे भाई यहाँ पे हम लोग रास्ता भूल चुके हैं। देखा देखा इसलिए यही बोलते आईफोन लो। देखा आईफोन सही बता रहा था, सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा था। इसको कहते हैं वर्थ इट भाई। इधर देख इधर राइट भाई। अबे रास्ता देख रहा कितना मस्त है भाई। क्या मतलब ऊंचा नीचा आ गया ना जगह। हां हिल स्टेशन ऐसा लग रहा है भाई। क्या ही व्यू है भाई, मजा आ गया। लेकिन रास्ता भूले तो भूले बट इधर से आने का एक अलग एक्सपीरियंस मिल गया यार। हां गाइस फाइनली हम लोग यहां पहुंच चुके हैं नेचर सफारी वाइल्ड लाइफ। ये रहा मुख्य द्वार। अगर तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे नेचर सफारी मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी में आ चुके हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो जगह है यहीं पे मतलब काउंटर है। फिर यहाँ से टिकट लेके जाना पड़ेगा। ये पार्किंग में लगाए गाइस कितने का है? 20 रुपये पार्किंग का है। जो लोग आए एंड मास्क लेना यहाँ जरूरी है ठीक है। तो मास्क कोरोना मतलब ख़त्म हो चुका है मतलब हम लोग के लिए, बट फिर भी मास्क लेना जरूरी है ठीक है। तो मास्क लेके आए तो पहले यहाँ से टिकट काउंटर टिकट कटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर अंदर जाना पड़ेगा। प्राइस क्या है भैया? 400 फिर अंदर जाने के बाद फिर टिफिन टिकट लगेगा। 150 का लगेगा भाई। अच्छा पहले यहाँ पे 100 लगेगा फिर अंदर जाके 150 और है ना, यानी कि पर हेड 250 टोटल। और ये अलग क्यों है 50? ये वो बच्चे लोग का है। अच्छा यानी कि बच्चे लोग का 50 एंड हम लोग का 100। पहले ये एंट्री फी अंदर का, ये एंट्री टिकट है, आगे सफारी का टिकट मिलेगा। अच्छा ओके ओके। अभी 11 से 12 वाला स्लॉट चल रहा है, आगे जो है टिकट मिलेगा वो 11 से 12 का मिलेगा। जी जी बस के लिए हर दो ये आगे जो टिकट हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं एंड अब अंदर जाते हुए दिखाता हूँ आगे जो भी प्रोसेस होगा एंड जो भी है सब मैं दिखाता हूँ आगे। बाकी व्यू तो यार यहाँ लाजवाब है, सामने पहाड़ एंड यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई, सब दिखाता हूँ आपको। हमारे पीछे आप लोग जो ये मूर्तियाँ देख रही हैं ये सब मतलब कि जो भी अंदर जो भी मतलब कि एनिमल्स हैं तो वो उन्हीं लोग का यहाँ पे ये मूर्तियाँ इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, इस साइड मतलब डियर है एंड इस साइड यार बियर, आगे भी है यार लियोपार्ड है, टाइगर है, लायंस है, दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान की एक खूबसूरत सी प्रतिमा बनाई गई है अंदर जाने से पहले। अगर तो हमारे पीछे आप लोग जो ये जगह देख रहे हैं ना, तो हमारा जो सेकंड टिकट होगा वो सेकंड टिकट यहीं से कटने वाला है ठीक है। आगे 100 का टिकट कटा एंड यहाँ पे 150 का, मतलब टोटल 250 का टिकट कटने वाला है ठीक है पर हेड। एंड सेकंड टिकट मैं जा रहा हूँ यहाँ कटवाने के लिए ठीक है, दिखाता हूँ आपको। हाँ गई तो सेकंड टिकट यार यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट काउंटर, तो सेकंड टिकट यहीं पे कटेगा यार। ये 150 का है भाई पर पर्सन ना। टिकट चार टिकट जी। हाँ गई तो यहाँ पे आए, यहाँ का जो टिकट प्राइस जो यहाँ का 150 है ठीक है, तो टोटल 250 लगेगा। तो यहाँ हमारा चार टिकट मिल गया। 12 से 1 जी। थैंक यू। मुझे कन्फ्यूजन है ठीक है, मतलब कि टिकट में लिखा हुआ है टाइमिंग 12 से 1 स्लॉट ठीक है, बट हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे 10 बजे। देखता हूँ क्या होता है यहाँ के इंचार्ज। अच्छा एक्सक्यूज मी, हाँ जैसे कि टिकट में लिखा हुआ है 12 से 1 तो, हाँ तो अभी हम आए हुए हैं 10 बजे, तो हम लोग क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर आपको 3D मूवी है, हाँ म्यूजियम है एंट्रेंस प्लाजा में। अच्छा घूमने वाला है सर? हाँ 3D मूवी आपको वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में। उसमें कॉस्ट लगेगा? फ्री है, सब फ्री है, फ्री कॉस्ट है। जी 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 पर हेड 250 में आप सारी चीज उपलब्ध है, मतलब 250 में सब चीज बस। अंदर जाने से पहले आपके पास जो अंदर का जो टिकट था सिर्फ अंदर मतलब 100 वाला, वो टिकट पहले यहाँ दिखाना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। चार टिकट है 100 वाला, तो पहले आप अपना यहाँ पे चार टिकट दिखाओ, उसके बाद आप अंदर जाओ है ना।
आपका एंट्री टिकट है, ये एंट्री टिकट है ना। थैंक यू। ओके जय जवान जय किसान। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये कौन सा चीज़ है? मेरा 12 से 1 है। 12 से 1 है तो जाइए। ये क्या है? म्यूजियम है शायद। तो यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के मतलब कि अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, बना हुआ है यार, मतलब सब चीज़ एकदम एक्सप्लेन किया जा रहा है एंड अंदर का जो लाइट है सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, एक नंबर। टोटल बताया जा रहा है यार पृथ्वी के बारे में, आई डोंट नो ये क्या दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, ग्लोब है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो आदिमानव लोग थे पहले ज़माने के, मतलब कि वो लोग के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा जो ह्यूमन जो भी है पहले कैसा था एंड अब कैसा हो गया है वो यहाँ बताया जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, वो जो लंगूड़ होते थे ना उस टाइप के, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले ऐसे हुए फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे इंसान अपने पैरों पे, 2 पैर पे चलने लगा 4 पैर से, फिर उसके बाद ये हमारा जो भी ड्रेस में थोड़ा बहुत ये सब हुआ चेंजेस, फिर चलते चलते आगे हम अभी हम लोग ये देख रहे हैं आप लोग एक एकदम वेल मेंटेन, ये अभी का हुआ है ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ दिखाया गया अच्छे से कि मतलब पहले क्या था एंड अब क्या है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। एंड गाइज यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है मतलब कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से मतलब कि एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइगर्स हो गए हैं, लायंस हो गए हैं, लायंस एंड यहाँ पे क्या ये लियोपार्ड है, बियर एंड डियर्स, मतलब आप लोग देख रहे हैं मतलब काफ़ी खूबसूरत हर चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि अंदर क्या 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 नहीं है ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सब अंदर का ही पिक्चर्स है, अंदर काफ़ी मजा आने वाला है गाइस, वीडियो बने रहे हैं। हाँ गाइस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब बनाया गया है यार, उधर से जा सकते पूरा राउंड है, पाथवे से जा सकते, जा सकते हैं। हाँ गाइस तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है यार एक मतलब कि, यहाँ पे आप चल सकते हैं काफ़ी अच्छा से, यहाँ पे हमारे किसान लोग को एक उनकी प्रतिमा बना के दिखाया जा रहा है। इधर से हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में, है रास्ता है कैंटीन का, हाँ वही रास्ता वही है, यही रास्ता ये वाला, ये सब मतलब ये 40 का है एंड ये क्या पिज्जा है ना, ये कितने का है? 100। क्या लेगा बताओ, 4 जगह पेटीज कर दो, मतलब सिर्फ पेटीज ही या और कुछ भी आपके पास? समोसा ये सब नहीं है? आ रहा है। कितना टाइम लगेगा? अच्छा पहले आप 4 पेटीज ही कर दो, चलेगा थोड़ा यही खा के थोड़ा पेट को थोड़ा शांत करते हैं, भूख तो काफ़ी ज़ोर से लग गया है। हाँ गाइस तो 40 रुपये का तो यहाँ पे मैंने पेटीज ले चुका था छोटा सा, बट आप लोग को जानते हैं कि मैं फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ 40 रुपये है कि नहीं है। कुछ खास नहीं है, जो बाहर में टेस्ट है वही टेस्ट है, बट मतलब चबाना पड़ रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा चबाना पड़ रहा है यार, थोड़ा हार्ड है, ताज़ा है बट थोड़ा चबाना पड़ रहा है, तो हार्ड बना हुआ बाहर वाले से। एंड प्राइस 40 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस मुश्किल कितना 15 रुपये होता है, 20 रुपये होता है, साइज भी छोटा है। अगर तो म्यूजियम घूमने के बाद हम लोग जा रहे हैं यार 3D मतलब के अंदर कुछ है वो देखने जा रहे हैं ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा फिर इसके बाद 3D इसके अंदर क्या है, 3D थिएटर है। चलिए फिर चलते हैं, चलिए अब चलते अंदर देखते हैं 3D क्या है भाई, लाइट तो सही है मतलब कि ये क्या हो रहा है, लाइट सही है भाई, लाइटिंग सही है, मतलब पिक क्लिक करने के लिए एरिया भी काफ़ी अच्छा है एंड सब सही है। हाँ ये सिनेपोलिस लग रहा है भाई, ओ भाई साहब 180 डिग्री है एकदम सेम टू सेम भाई एकदम, हाँ 180 है पूरा भाई, कितना बड़ा LED लगाए हुए यार,
राउंड है चल आगे बैठते मजा आएगा। इस पे मूवी बनाए चलाएगा तो गाइस ये सब अगर हॉल हम लोग को दे दिया जाए तो यहाँ पे बस वो खाली एवेंजर्स हो गया मार्वल गया मतलब सारे मार्वल्स का और डीसी का लास्ट में डेली शो चलेगा तो लगातार बूम बूम हो जाएगा। गाइस मैं तो सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा बट बोला गया कि चालू होने के बाद मतलब वीडियो नहीं बना सकते इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्या चालू हो गया के अस्तित्व का आधार है। मतलब कि चुपचाप एक सोया हुआ है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उड़ जा।